हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको और भी अच्छा करने के लिए लारी फूड हब आपके लिए लेकर आई है न्यू रेसिपी। बिकॉज खाना बनाना हुआ और भी इजी क्योंकि आपके पास है लारी फूड हब की रेसिपी। और हाँ गाइज, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ गाइज, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज गाइज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिश करी की रेसिपी, वो भी बिल्कुल सिंपल मेथड से। बिकॉज खाना बनाना हुआ और भी इजी क्योंकि आपके पास है लारी फूड हब की रेसिपी। चलिए गाइज हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज यहाँ मैंने फिश को अच्छे से वॉश करके रख लिया है। फिश बनाने में सबसे पहला काम ये है कि हम अच्छे से हम फिश को पहले क्लीन करें। यहाँ मैं फिश को मैरिनेट करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मछली में आधा चम्मच हल्दी और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे मैंने 1 से 2 चम्मच नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड की हूँ। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 30 से 40 मिनट तक इसको हम रेस्ट होने देंगे। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यहाँ पे मैंने फिश को मैरिनेट किए हुए 30 से 40 मिनट हो गए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 4 से 5 बड़े चम्मच हम ऑयल को ऐड करेंगे। ऑयल हमारा जब अच्छे से हीट हो जाएगा तब हम मछली को एक एक करके फ्राई करेंगे। एक एक करके हम मछली को ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसको डीप फ्राई करेंगे। फिश को हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई करेंगे हम इसको। इसको हम शैलो फ्राई नहीं करेंगे, इसको हम बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और डीप फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैंने सारी मछलियों को ऐड कर दिया है, जिसमें जितनी मछलियाँ इस कढ़ाई में अट सके उतनी ही हम इसको ऐड करेंगे। और उसके बाद हम 5 मिनट बाद दोनों दूसरे साइड से भी इसको हम फ्राई करेंगे। 7 से 8 मिनट तक हम मछलियों को दोनों साइड से अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जैसे वीडियो में आपको शो हो रहा है कि मछली कैसे फ्राई हो रही, सेम एज इट इज़ आपको भी ऐसे ही अपनी मछलियों को फ्राई करना है। ऐसे ही हम अपनी सारी मछलियों को फ्राई करके निकाल लेंगे। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मैं नहीं चाहती गाइस कि आपसे कोई भी हमारी वीडियो मिस हो। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर हम एक एक करके अपनी सारी मछलियों को फ्राई करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे करी का मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे अब हम फिश करी का मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज को कट कर लिया है। अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करेंगे। यहाँ पे हम सारे प्याज को ऐड कर लेंगे वॉश करके। यहाँ पे मैंने प्याज को वॉश करके रखा था। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। यहाँ से मैंने 3 से 4 लहसुन की पोटली ऐड की है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हरे मिर्च। यहाँ से मैं 10 से 12 हरे मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको तीता ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड करेंगे और इसका हम एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। जो गाइस मैंने फ़िश फ्राई किया था उसी ऑयल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो ऑयल चेंज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं उसी तेल का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने तेल में 10 से 12 मेथी दाना ऐड किया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके प्याज का मसाला ऐड करेंगे। ऐसे ही हम अपने सारे प्याज के मसालों को ऐड कर देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैंने मसालों को ऐड करने के बाद अच्छे से मसालों को मिक्स कर दिया है। नेक्स्ट अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। मछली में भी मैंने नमक ऐड किया था तो यहाँ पे मैं नमक कम ही यूज़ कर रही हूँ। 1/2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ से मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काट लिए। अब हम इसको मसालों में ऐड करेंगे। जब गाइस हम टमाटर ऐड करेंगे तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे।
और टमाटर को हम अच्छे से मसालों में मिक्स कर देंगे और हम 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। जब गाइस टमाटर हमारा आधा गल जाएगा तब हम इसमें आलू डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको आलू पसंद नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 मीडियम साइज़ के आलू को कट करके ऐड करी हूँ और अब हम इसको ढककर 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे जिससे कि हमारा आलू अच्छे से गल जाए। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया। यहाँ मैं बारीक कटा हुआ सोया ऐड कर रही हूँ और उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हाँ गाइस, अगर आपको और भी रेसिपी चिकन की या और भी किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से सारी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हमारा करी बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसमें एक एक करके अपनी मछलियों को ऐड करेंगे। हम करी में स्पेस बना बना के हम इसमें एक एक करके अपनी सारी मछलियों को ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं गाइस, वीडियो में जैसे शो हो रहा है जैसे मैं एक एक करके अपनी सारी मछलियों को मसालों में ऐड कर रही हूँ, सेम एज इट इज आपको भी ऐसे ही मछलियों को ऐड करना है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो रख देंगे। हम इसे अब 7 से 9 मिनट तक हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। अब हम मछलियों को ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे 9 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। हम कढ़ाई को अब ढक देंगे। अब देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हमारी फिश करी बिल्कुल ही रेडी हो गई है। आई होप गाइस आपको ये हमारी फ़िश करी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी फ़िश करी की रेसिपी पसंद आई है तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये फ़िश करी की रेसिपी कैसी लगी। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।